दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार इंटर एडमिशन 2020 के पेमेंट स्टेटस के बारे में। दोस्तों जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट सक्सेस नहीं हो रहा है, ना तो कभी कभी हो रहा है कि पेमेंट कट जा रहा है लेकिन पेमेंट हमारे सक्सेस नहीं हो पा रहा है और पेमेंट नॉट रिसीव का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों आपको कैसे पेमेंट करना है कि एक बार में आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, इसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको एक बार में कैसे पेमेंट करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका पेमेंट एक बार में सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो दोस्तों कैसे पेमेंट को करना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है और आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम एप्लीकेशन में यहाँ पर भर देना है, अपना यानी मोबाइल नंबर, पासवर्ड और इस कैप्चा को डाल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे OFSS की वेबसाइट पर और यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स आ जाता है। यहाँ पर आप नीचे आकर यहाँ पर पेमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट नॉट रिसीव का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों आपको कैसे पेमेंट करना है कि आपका पेमेंट सक्सेस हो जाए, यहाँ पर आपको फिर से पेमेंट करने के लिए फी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो आपको अपडेट पर क्लिक करना है, अगर नहीं कटा है तो आपको फिर से करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है SBI ePay, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI, ये SBI ब्रांच पेमेंट, ये सब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे करना है कि एक बार में पेमेंट हो जाए, तो इसके लिए आपको ये तीन नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, भीम UPI। जी हाँ दोस्तों, आपको UPI के मदद से करना है पेमेंट, तभी जाकर आपका एक बार में पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपका फेल नहीं होगा। तो चलिए हम भीम UPI पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको UPI का ID इस बॉक्स में डालना होता है, तो यहाँ पर आपको अपना UPI ID डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर UPI ID डालते हैं। UPI की ID डाल देने के बाद यहाँ से आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड चल रहा है, तो आपको अब क्या करना है, आपको UPI पेमेंट आपको कैसे करना है, जिस भी एप्लीकेशन का आपका UPI आईडी है, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम, तो आपको उसी एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको UPI वाले ऑप्शन में जाना है। UPI वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर पे का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। उसके बाद आपको पे का ऑप्शन फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आप 300 रुपया पर क्लिक करना है और आपको अपना UPI का पिन डाल देना है। जैसे ही आप UPI का पिन डालेंगे आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के पास और आपका पेड हो जाएगा सक्सेसफुल। उसके बाद फिर से आपको इस पेज पर आना है और आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा पेज। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर स्टेटस में सक्सेस हो गया है। तो आपको यहाँ क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस में आपका यहाँ पर स्टेटस, यहाँ पर देखिए हमारा सक्सेस हो गया है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे अपने मोबाइल में सेव कर लेना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को। तो आपको सिंपली यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पेमेंट को कर सकते हैं, एक बार में आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत कम वक्त बचा है, सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जल्दी से पेमेंट कर सके। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।